हाय वर्ल्ड, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वॉचिंग SPS फिल्म ऑन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं रुचक योग के बारे में। रुचक योग जो होता है वो पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है, और रुचक योग अपने आप में एक बहुत ही महान योग है, ठीक है ना। रुचक योग में जो इंसान जन्म लेता है, एक तो वो फिजिक्स से अपने बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, यानी लाइक ए बॉडी बिल्डर, लाइक सलमान खान, जॉन अब्राहम, ठीक है। दूसरा, इंसान बहुत ज्यादा फेमस होगा। तीसरा क्या होगा कि इंसान पुरानी विद्याओं में बहुत ज्यादा माहिर होगा, मतलब जैसे शस्त्र विद्याएं होती हैं, तलवार चलाना, भाले चलाना, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंसान एक्सपर्ट होगा। इंसान राजा के समान होगा या राजा से कम नहीं होगा। तो आज के एडवांस युग में आजकल तो कोई खैर राजा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी जो पोजीशन होगी वो राजा के समान होगी। हो सकता है कोई पावरफुल पोजीशन हो सकता है मिलिट्री का जनरल हो, पुलिस में, पुलिस डिपार्टमेंट में हो तो हो सकता है कमिश्नर हो या बड़ी पोस्ट में, ठीक है ना। तो ऐसे युग में ज़्यादातर लोग जो जन्म लेते हैं वो आपके रुचक युग में जन्म लेते हैं। दूसरा, ऐसे रुचक युग में जन्म लेने वाले लोग अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। जो भी उनका कस्टम होता है या जो भी उनका ट्रेडिशन होता है उसको ये लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। रूढ़ी कॉम्प्लेक्शन होता है ऐसे लोगों का, वेल्थी होते हैं, लंबी आयु होती है, और एक प्रकार के लीडर होते हैं, अपने ग्रुप के लीडर होते हैं। तो शशयुग में जन्म लेने वाले लोग बहुत ही स्ट्रांग फिजिक के माने जाते हैं और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं नेचर वाइज, ठीक है। अच्छा, शशयुग की जब हम बात करें तो रुचक युग में जन्म लेने वाले लोग बहुत ही स्ट्रांग फिजिक के माने जाते हैं या दिखते भी बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है ना। तो रुचक योग एक प्रकार का राजयोग है। बट ये रुचक योग बनता कब है? रुचक योग जब बनता है जब मंगल यानी मार्स कुंडली के केंद्र भाव में हो और अपने ही साइन में हो या एग्जल्टेशन में हो। मींस कुंडली का जो केंद्र भाव होता है, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस या टेंथ हाउस, एक तो इसमें मंगल का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अपने ऑन साइन में होना बहुत जरूरी है या उच्च का होना बहुत जरूरी है, यानी ऑन साइन का मतलब हो गया या तो एरीज में हो या स्कॉर्पियो में हो या कैप्रिकॉन में हो। कैप्रिकॉन में मंगल उच्च का हो जाता है, ठीक है ना। या तो एरीज में हो या स्कॉर्पियो में हो या कैप्रिकॉन में हो मंगल, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, टेंथ हाउस में, तब रुचक योग बनता है। बट रुचक योग के होने से ही रुचक योग कंप्लीट नहीं होता। मींस अगर ये मान लो आप कि जैसे आपका मंगल एरीज राशि के ऊपर या स्कॉर्पियो राशि में बैठा है, आपके फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में, टेंथ हाउस में बैठा है, और मान लो उसके साथ केतु बैठ गया या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ गया साथ में, तो ये जो रुचक योग है ना ये ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि जो केतु है वो आपके रुचक योग से यानी मंगल की क्वालिटी से आपको डिटैचमेंट दे देगा, अटैच कर देगा। और सैटर्न का अगर एस्पेक्ट पड़ गया तो सैटर्न उन चीजों में डिले कर देगा। सैटर्न आपको अपनी एक्टिविटीज के थ्रू, अपनी एनर्जी के थ्रू किसी भी चीज को अचीव नहीं करने देगा। तो केतु और सैटर्न अगर इनका एस्पेक्ट पड़ जाता है मंगल के ऊपर, अगर मान लो मंगल आपके एरीज राशि में बैठा है या स्कॉर्पियो में बैठा है, तो अगर इनका एस्पेक्ट पड़ जाता है या इनका कंजक्शन हो जाता है या इनका कंजंक्शन हो जाता है, अगर इनका एस्पेक्ट पड़ता है आपके मंगल के ऊपर, सैटर्न का या केतु का, या इनकी युति हो जाती है मंगल या मंगल के साथ, या इनकी युति हो जाती है मंगल के साथ, तब ये जो रुचक योग है ये भंग हो जाता है। और मान लो रुचक योग बन रहा है आपके एग्जल्टेशन में यानी कैप्रिकॉन साइन के ऊपर, लेकिन जो कैप्रिकॉन का जो लॉर्ड है यानी सैटर्न, सैटर्न डेप्रिटेशन में चला जाए,
तब रुचक योग भंग हो जाता है, या सैटर्न डेबिटेशन में चला जाए तब आपका रुचक योग भंग हो जाता है, या जो सैटर्न है उसकी युति केतु के साथ हो जाए तब आपका रुचक योग भंग हो जाता है, या सैटर्न अपने एनिमी साइन में बैठ जाए तब आपका रुचक योग भंग हो जाता है। तो खाली रुचक योग के होने से ही जरूरी नहीं है कि आप उन चीजों को जीवन में पा पाए जिसके जिससे रुचक योग बनता है। रुचक योग के कारण जो चीजें आपको मिल सकती हैं वो चीजें डिले हो जाएंगी आपकी लाइफ से। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर ऐसा रुचक योग बन रहा है तो इससे आपको कुछ बेनिफिट मिले, ठीक है। दूसरा रोचक योग जो होता है वो 8 प्रकार के एसेंडेंट में बनता है। अब जो 8 प्रकार के एसेंडेंट हैं, रोचक योग 8 प्रकार के एसेंडेंट में बनता है। एरीज एसेंडेंट में अगर रोचक योग बनेगा तो मंगल एरीज राशि में कुंडली के फर्स्ट हाउस में होगा, या कैप्रिकॉन राशि में कुंडली के 10th हाउस में होगा। टॉरस अगर मैं एरीज राशि में, सॉरी एरीज एसेंडेंट में रुचक योग 8 प्रकार के होते हैं। एरीज एसेंडेंट में अगर रुचक योग बनता है तो मंगल एरीज राशि में कुंडली के फर्स्ट हाउस में होगा, या कैप्रिकॉन राशि में 10th हाउस में होगा। टॉरस एसेंडेंट में अगर रुचक योग बनता है तो मंगल स्कॉर्पियो राशि में कुंडली के 7th हाउस में होगा। कैंसर एसेंडेंट में अगर रुचक योग बनता है तो मंगल कैप्रिकॉन राशि में या तो कुंडली के 7th हाउस में होगा, या एरीज राशि में कुंडली के 10th हाउस में होगा। लियो एसेंडेंट में अगर रुचक योग बनता है तो मंगल स्कॉर्पियो राशि में कुंडली के 4th हाउस में होगा। लिब्रा एसेंडेंट में अगर रुचक योग बनता है तो मंगल कैप्रिकॉन राशि में 4th हाउस में होगा, और एरीज राशि में कुंडली के 7th हाउस में होगा। स्कॉर्पियो एसेंडेंट में अगर रुचक योग बनता है तो मंगल लगन में यानी एसेंडेंट में स्कॉर्पियो राशि के ऊपर होगा। कैप्रिकॉन एसेंडेंट में अगर रुचक योग बनता है तो मंगल कैप्रिकॉन साइन में लगन में होगा, या एरीज साइन में कुंडली के 4th हाउस में होगा। एक्वेरियस एसेंडेंट में अगर रुचक योग बनता है तो मंगल स्कॉर्पियो साइन में कुंडली के 10th हाउस में होगा। तो ये 8 प्रकार के एसेंडेंट में रुचक योग बनता है। लेकिन रुचक योग के अंदर सबसे मेन चीज देखने लायक ये है कि मंगल के ऊपर किसी मैलेफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट ना हो, केतु का एस्पेक्ट ना हो, शनि का एस्पेक्ट ना हो, या उनकी युति ना हो मंगल के साथ, ठीक है। दूसरा, अगर मंगल कैप्रिकॉन साइन में है, दूसरा मंगल अगर कैप्रिकॉन साइन में है तो सैटर्न जो है वो केतु के साथ ना हो और सैटर्न डेबिटेशन में ना हो, तब ये रुचक योग प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो आज हमने बात की रुचक योग के बारे में। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में रुचक योग किस तरीके से काम करता है, या रुचक योग का कितना बल है या कितनी पावर है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने रुचक योग को जानने की कोशिश। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।